सर नॉर्मल नॉर्मल ओके सो रेनू वी शुड स्टार्ट द क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश एक्चुअली इज इट फॉर जॉब पर्पस और सर जॉब पर्पस ओह जॉब पर्पस राइट सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ओके हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ गुड आफ्टरनून सर आई एम रेनू आई एम I belong to a Gwalior MP and I did graduation and post graduation in Gwalior Jeevaji University. I belong to a nuclear family and my hobbies are traveling, music, etc. And I am very hard working and punctual person. Okay, great. All about me, sir. Okay, I'll start it from always say, don't say I am Renu. Always say, my name is Renu. Okay, sir. Okay. My name is something which is formal. I am, it is very informal way. I am or myself. These two are very informal way to say something. So, whenever you are saying, always say my name is Renu, right? And I am from Gwalior, right? Currently, yes, but currently I'm living in Gurgaon. Where do you live? Gurgaon. But currently I'm living in Gurgaon. Okay. Then come to your qualification. I have completed. I have completed what? Graduation, right? Yes, sir. Graduation, from, postgraduate. Yeah, from Jeevaji University. Okay, great. After that? After that, B.Ed. So, your last degree. I have completed B.Ed, right? Yes, sir. I have completed. Yeah, you. Now I have completed B.Ed from B.Ed from here. B.Ed from जहाँ से भी किया. That's it. Yeah, graduation, post graduation का बोलने की ज़रूरत नहीं है. सीधा B.Ed. Okay. Last degree was B.Ed, right? सीधा B.Ed पे. I have completed my B.Ed from wherever you completed it. Okay. Then come back to the point. Sir, all correct. Always. Sir. अभी मैं जैसे ये क्या कहते हैं मेरा पीएचडी भी चल रहा है तो उसका भी इंट्रोडक्शन देना रहेगा कि नहीं परसुइंग बोल सकते हो आप आई एम परसुइंग पीएचडी आई हैव कंप्लीटेड माय बीएड एंड करंटली आई एम परसुइंग और नाउडेज जो भी बोलना चाहते हो करंटली भी बोल सकते हो नाउडेज भी नाउडेज आई एम परसुइंग पीएचडी राइट ओके सर नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन राइट सो आई एम परसुइंग पीएचडी After that, your work experience. What is your work experience? So one year experience class ka hai, sir, fourth class ka. And one okay, year so, pre-nursery. So it's total 2 years experience, right? Yes, sir. So how you will say, I started my career with उस स्कूल का नेम जिस स्कूल में आपने पढ़ाया है ओके आई वर्क देयर फॉर वन ईयर लेटर ऑन आई जंप्ड टू दूसरी स्कूल का नाम ओके ओके लेटर ऑन आई जंप्ड टू आपके जो दूसरी स्कूल का नाम होगा वहां पे स्कूल का नाम बोल दोगे कंटिन्यूअस नहीं हुआ सब ब्रेक हुआ है उसके बीच में इट्स ओके दोनों का आप बोल देंगे ओके उसके बाद दिस मच एक्सपीरियंस आफ्टर दैट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ ऑलवेज टेल अबाउट टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एवरीबॉडी हैज सम स्ट्रेंथ राइट ओके ईच एंड एवरीबॉडी हैज सम स्ट्रेंथ लाइक हार्ड वर्किंग राइट इफ आर हार्ड वर्किंग इफ आर पंक्चुअल ऑल दीज आर योर स्ट्रेंथ सो ऑलवेज टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ व्हाट इज योर स्ट्रेंथ Like I'm hardworking, sir. I'm punctual, I'm a smart working, I'm good listener, I'm a good teacher.
बोलना, अपने सेल्फ से बोलना है कि मतलब सामने से अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर करना है। जब वो बोलता है कोई, ऑलवेज रिमेम्बर, ये मैं बता रहा हूं, जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हो फॉर्मल वे, अगर कोई इनफॉर्मल वे में बोलता है माई नेम इज निवेनु एंड आई एम फ्रॉम गुड़गांव, दैट्स इट। मैक्सिमम बोल सकते हो माई नेम इज रेनू, आई एम फ्रॉम ग्वालियर बट करंटली आई एम लिविंग इन गुड़गांव, दैट्स इट, इनफॉर्मल वे। ओके देन सर, इनफॉर्मल में अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? बट ओके दिस इज सर, फॉर फॉर्मल वे, व्हेन यू आर ओके गोइंग फॉर सर, ए इंटरव्यू और फॉर समथिंग फॉर जॉब पर्पज, राइट? नाउ हाउ डू ओके। हाउ विल यू से बराबर, या दीज आर माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेस, ऑलवेज मैंशन योर वीकनेस अगेन, ऑलवेज मैंशन योर वीकनेस एनी पॉइंट, लाइक आई एम इमोशनल, राइट? और यू कैन से आई एम क्वाइट यू नो गेट आउट ऑफ कंट्रोल सम टाइम, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, बट छोटी मोटी वीकनेस अपनी बता दिया करो। ओके सर, ओके आई इंटरव्यू एम में नॉट ही, ए तो उसमें बायोडेटा इंटरव्यू में। में ही, ओके इंटरव्यू में ही जब कोई आपके बारे में पूछता है तो वहीं पे ही, ओके अपनी स्ट्रेंथ बता दिया, अपना वीकनेस बता दिया, आफ्टर दैट यू विल टेल अबाउट योर हॉबीज, हॉबीज व्हाट आर योर हॉबीज, आफ्टर दैट योर फैमिली। सो अपनी फैमिली का जो इंट्रोडक्शन होगा क्वाइट लास्ट में। शॉर्ट, शॉर्ट लास्ट में लेकिन शॉर्ट, वन या टू लाइन, ओके सर, ओके? लाइक आई हैव टू ब्रदर एंड टू सिस्टर, दैट्स इट। लोग क्या करते हैं, फैमिली का इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा खींचते हैं, राइट? माई फादर इज, ठीक है बोल सकते हो, माई मदर इज अ हार्ड वर्किंग या हाउस होम मेकर, और माई फादर इज वर्किंग देयर, माई एल्डर सिस्टर इज वर्किंग देयर, माई ब्रदर इज वर्किंग देयर, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इंट्रोडक्शन आपका है, आपकी फैमिली का नहीं, राइट? सर, जस्ट मेक इट वेरी शॉर्ट। सो दिस इज अबाउट योर इंट्रोडक्शन, राइट? ओके नाउ ए कॉमन क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन आता है हर जगह से, व्हाई डिड यू लीव योर फर्स्ट जॉब, राइट? और ओके बिफोर दिस, सो व्हाट डू यू से, आप क्या बोलते हो जब कोई आपसे पूछता है कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ा? सर, बिफोर मैरिज मैंने ज्वाइन किया था ग्वालियर में, और फिर शादी होने के बाद हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई पुणे, हाँ, पहले सो थे बोल अभी। सकते हो दिस इज अ गुड रीजन, दिस इज अ गुड रीजन बिकॉज ओके या आई ज्वाइन देयर बिफोर माई मैरिज, आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड टू गुड़गांव, सो दैट वाज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी प्रीवियस कंपनी की बहुत बुराई कर लेते हैं, लाइक वहां पे जो है सैलरी टाइम से नहीं देते थे, वहां का मैनेजमेंट हरामी था, ये था, राइट? नेवर से सच दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। मदर्स प्राइड जो सेकंड भी मैंने छोड़ा था वो भी मैं एक्सपेक्टेड थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा डॉक्टर ने बोला था बेड रेस्ट टाइप, तो मैं वो भी रीजन हाँ, यही बोल था। सकते हो ये सब कुछ बोल सकते हो, बट नेवर से दैट माई प्रीवियस कंपनी वॉज नॉट गुड और दिस दिस, राइट? ब्ला ब्ला, नेवर से दीज सम थिंग्स, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अपनी प्रीवियस कंपनी को जब आप बुरा बोल रहे हो ना, तो समवेयर यू आर शोइंग नेगेटिविटी, सर, गॉट इट? सो सामने वाले को आपके अंदर थोड़ा सा तो नेगेटिविटी झलकती है। सो ऑलवेज से या कंपनी वॉज वेरी गुड, कंपनी वॉज वेरी गुड, बट आई हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद माई मैनेजर, यू कैन से आई हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद माई मैनेजर, यू कैन इवन से कंपनी वॉज वेरी गुड, बट एनी अनदर थिंग्स, राइट? छोटी छोटी चीजें आप बोल सकते हो, लाइक बट कंपनी वॉज फाइनेंस सफरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इशू, राइट? ओके सर, कि ओके कंपनी जो सर, है सैलरी नहीं दे पा रही थी टाइम से, सो आप ये नहीं बोलेंगे ना कंपनी वॉज वेरी गुड, दे वर नॉट प्रोवाइडिंग अ सैलरी, कंपनी वॉज वेरी गुड बट इट वॉज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इशूज, ओके ओके? सर, ऑलवेज इस वे में, सो दैट आप अपनी कंपनी को खराब नहीं बोल रहे हो, बट यस वहां पे कुछ माइनर जो थे ना इशू थे, ओके? उसकी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ा वहां से, गॉट इट? नाउ दिस वॉज अबाउट योर इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन ऑलवेज, व्हाई शुड आई हायर यू और व्हाई शुड बी हायर यू, सर, देन आपका क्या आंसर आता है यहाँ पे, हाउ डू यू रिप्लाई योर? मेरा तो ये रहता है कि आई हैव एक्सपीरियंस हाउ टू मैनेज अ क्लासरूम, यही सब मतलब बोलते हैं, क्योंकि टीचिंग लाइन से है तो
टीचिंग लाइन का जबकि कोई लोग बोलते हैं ना a lot of people are there who say because sir you have requirement that is wrong okay they have requirement that doesn't mean you are only the candidate they have another candidates to there for that job yes why when someone is saying why should I hire you then the answer should be whoever is there sir or ma'am if you want to add sir or ma'am you can if you don't want to add no need to add sir or ma'am again and again you can simply remove some sir and ma'am or you can say because I think for this position you need a candidate who is sensitive right who is hard working for an example aap kis job ke liye apply maar rahe hain suppose teaching ke liye teaching ke liye तो कितनी क्लास तक बच्चों को पढ़ाएंगे आप सर अभी तो मैं छोटी क्लास लूंगी क्योंकि मेरा पीएचडी भी चल रहा है तो पीआरटी तक ही समथिंग सो सपोज करो फिफ्थ क्लास तक ओके सो जो बच्चा फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा होगा उसका एज कितना होगा ऑब्वियसली बिलो 10 होगा वो हां 10 समथिंग होगा ही हां सो अराउंड 10 ईयर मैक्सिमम राइट बिकॉज़ आई फील और इन माय ओपिनियन यू नीड अ कैंडिडेट हु इज वेरी सेंसिटिव right yes sir sensitive who can understand the kids problem who is emotional who can emotionally connect with the students who can remain calm because they are children they can do a lot of the stupid things such this kind of the things ki aapko is position ke liye aise candidate ki zarurat hai jisme ye khubi ho right and then last mein kya add karenge and I have all these ability got it So in my opinion, I am the best candidate for this position. In my opinion, that's up to him, either he feels suitable or not. But yes, in your opinion, because you are directly not saying that कि आप मुझे hire कर लो मैं ये करूँगी right? But आप बोल रहे हो अगर आप मुझे hire करोगे तो मैं ये definitely करूँगी क्योंकि मेरे अंदर इतनी ability है. Got it? Right. A lot of people say, "Sir, if you will hire me, then I will do this. Right? I will definitely do this. I will do this." It's will. Will doesn't work in the when you are going for an interview. Will doesn't work. Okay? Never say. बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं बहुत बड़ी-बड़ी बात बोल रहे थे. Right. बहुत बड़ी-बड़ी बात बोल रहे थे. Sir, if I teach someone, they will definitely get 90% mark. They will definitely get 100% marks. I can do this, I can do that. जो बंदा इंटरव्यू लेता होता है ऑलवेज रिमेम्बर उसको भी आपसे 10 गुना नॉलेज होती है राइट वो जिस पोजिशन के लिए आपको हायर कर रहा है उस पोजिशन के लिए पहले भी कई लोगों को हायर कर चुका है वो काम कर चुका होगा तब वो ऊपर पहुंचा है राइट उसको सब कुछ पता होता है उस पोजिशन में क्या होता है कैसा होता है किस बंदे को वो करना है किस बंदे को नहीं जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना उसका दिमाग में वहीं से नेगेटिविटी फैल जाती है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बात कर रहा है right, तो वो वहीं से डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसको हायर नहीं करना है सो कभी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना सिंपल मेक इट सिंपल यस बी कॉन्फिडेंट राइट इफ यू डोंट नो समथिंग से क्लियरली सर बीइंग ऑनेस्ट आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग Being honest, कुछ लोग क्या करते हैं उनको जैसे कुछ पूछा तो वो घुमा फिरा के जवाब देने की कोशिश करते हैं फ्लुक मारते हैं राइट अच्छा सर अभी मैंने तुक्का सर उसमें ये बोल रहे थे कि मतलब ओवरऑल तो ये इंट्रोडक्शन पूछा फिर उन्होंने ये क्वेश्चन किया था मतलब अगर आपका मतलब बेस्ट क्या है आप क्लासरूम में सबसे बेस्ट आपका क्या क्वालिटी है जो आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो तो मतलब हाँ नहीं सर ऐसा कुछ कि कुछ की नहीं गए थे रिमाइंड करके कि कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैंने बोला कि ओवरऑल तो मुझे ऑल एक्टिविटीज आती है ऐसा कोई बेस्ट का कुछ बोलना तो वही है ना तो सर एकदम से सडन नहीं रहता दिमाग में मींस व्हाट यू वांट टू से द बेस्ट क्वालिटी इन यू और आपके अंदर बेस्ट क्वालिटी या बेस्ट आप क्या कर सकते हैं हाँ क्लास में क्या आप बेस्ट एक्टिविटी मतलब सबसे अच्छा आप किस चीज में मतलब होते हैं बिकॉज मैंने भी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया राइट और मेरे पास जो आते हैं सभी हम लोग छोटे बच्चों को तो वैसे भी आई नहीं करते सो आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि बच्चों के में उसमें एक्टिविटी क्या क्या चलती है वहाँ पे
छोटे बच्चों को. यस देर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटी बट यस यू शुड कम विद सम क्रिएटिव आइडियाज. यू शुड मतलब मैंने किया है 7 ईयर जॉब मदर्स प्राइड में, तो वहाँ पे मतलब प्री प्राइमरी प्री नर्सरी के ही बच्चे थे, तो सर उनको मतलब यही था एंगेज कैसे करना है, उनको पैम्पर कैसे करना है, कैसे लर्न कराना है एज अ फन एक्टिविटी, मतलब उसके हिसाब से कि बच्चों को प्ले और मतलब क्या कहते हैं ये भी लगे कि हाँ लर्निंग भी हो रही है प्लस खेलने खेलने के साथ, तो वो सारी चीजें हैं बाकी. ऑब्वियसली सो नाउ आई टेल यू वन थिंग, ऑब्वियसली आपसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट भी नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाएगा. हाँ सर पूछ सो बी प्रिपेयर फॉर दिस सन, बी प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता बट यस कम विथ सम क्रिएटिव आइडियाज, कम अप विथ सम क्रिएटिव आइडियाज. ओके क्रिएटिव मीन्स समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जो बाकी लोग फॉलो करते हैं वो तो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, राइट, चेक ऑन यूट्यूब, राइट, गेट सम आइडियाज, सेम नहीं, उसे थोड़ा सा डिफरेंट, उसे थोड़ा सा डिफरेंट, बट अगेन इट शुड नॉट बी कॉस्टली, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. दैट मीन्स वहां पे ऐसा ना हो कि उस एक्टिविटी को करने में आपका बहुत ज्यादा पैसा घुस गया, चाहे स्कूल का है चाहे पेरेंट्स का है, राइट, तो उस एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं घुसना है, राइट. फॉर यू कैन मेक एनी एग्जांपल, राइट, लाइक आई कैन क्या बोलूं, मतलब मेरे को तो वो भी नहीं पता है इतना कि छोटे बच्चों के बहुत ज्यादा बोध, कुछ क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव आइडियाज, यू नीड टू कम अप विद सम क्रिएटिव आइडियाज, समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ओके ओके बिकॉज़ आई रियली डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट. नहीं सर इट्स ओके. सर जैसे कि ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो नहीं था सर, वो जो फॉर्म फिल कराया था पहले हमसे इंटरव्यू से पहले, तो उसमें सैलरी मतलब जो हमें हमारी लास्ट सैलरी थी ऑफ कोर्स हम उससे थोड़ा अप ही डालेंगे ना, तो मतलब ऐसे रहते कि स्कूल का क्या है रेपुटेशन उसके अकॉर्डिंग सैलरी डालनी चाहिए, वो भी डिपेंड करते है क्या सिलेक्ट. आपको अगर अभी स्टार्टिंग कर रहे हो करियर का, यू कैन राइट देयर नेगोशिएबल. नहीं सर अब मेरा लास्ट सैलरी सर सैलरी एक्सपेक्ट, व्हेन इट इज सैलरी एक्सपेक्टेशन You can say negotiable. तो सर उन्होंने negotiable means बोले कि बस फॉर्म में फिल कराया था. हाँ तो अभी उनका वो है कुछ भी. आपने कितना मेंशन किया था उसमें? तो मैंने मतलब मेरे को लास्ट टाइम 15 मिल रही थी, तो मैंने एटलीस्ट 20 तो डाले ही था, एटलीस्ट 20 तो. Salary expectation, right? That's up to you कि आप 20, हो सकता है कि उनका बजट उतना हो ही ना. हाँ तो सर उनको एक बार मतलब किसी ने या तो फिर मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने बच्चे के स्कूल में ही ट्राई किया था, तो उनको ही लगा कि बेटा और मतलब पेरेंट दोनों साथ में रहेंगे तो मे भी हो सकता है उन्हें, क्योंकि बच्चे का स्टार्टिंग एज रहता है. हम ओरिएंटेशन में गए थे अभी सैटरडे, तो उन्होंने यही वो एक पेरेंट ने ऐसी क्वेश्चन किया था कि क्या हम बच्चों के साथ यहाँ रुक सकते हैं, तो उन्होंने बोला नो, बिल्कुल उन्होंने बोला अलाउ ही नहीं है क्योंकि आप अगर रहोगे तो बच्चा आपका सेटल ही नहीं होगा स्कूल में, तो हो सकता है वो रीजन भी हो सकता है, बाकी आइडिया तो कुछ नहीं. मे बी या हो सकता है कि उनको उनका बजट ही ना हो उतना, उनका बजट ही 12-15 के अंदर हो. So, करते हैं ना जो सैलरी को लेके तो डिस्कशन होता है, इतना हो सकता है उनको बेटर कैंडिडेट मिल जाता है. हाँ कम. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग रेनू, ओके ओके, फोकस ऑन क्वालिटी, फोकस ऑन योर क्वालिटी, डोंट फोकस ऑन द प्राइसेस. ओके डोंट फोकस ऑन द प्राइसेस, हमेशा क्वालिटी के ऊपर फोकस मारो. दैट मीन्स आप अपनी स्किल के ऊपर काम करो. ये नहीं है कि दूसरा मार्केट में जो है वहाँ पे 15,000 में जा रहा है कोई, तो मैं 12,000 में चली जाऊंगी. दैट इज रॉन्ग. आस्क फॉर 20,000 बट बी बेटर देन दैट पर्सन. गॉट इट? अपने अंदर स्किल को डेवलप करो, उससे ज्यादा अच्छे बनो. ओके सर. Focus on the quality, not on the prices. Okay. What else, Renu? This is about yeah. How do you introduce yourself, right? So we'll have a 1 second, please. Huh? Who is he?
Now, okay, I'll tell you today, how can you say things in a different way? Okay, sir. How can you say things in a different way? हम लोग कुछ phrases हम लोग रोज बोलते हैं, right? Right. But do you know कि किसी भी चीज को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं? Okay, sir. Like, how can you say good morning? There are a lot of the ways to say good morning. You can say, yeah, दिख रहा है आपको? Yes, good morning, हम सब पर डे बोलते हैं, राइट? किसी ना किसी को. Yes, sir. But instead of good morning, you can say rise and shine. Rise and shine, that means, rise means get up. Or rise means like sunrise, उगना. Yes, एक तरह से उठना. Sign means, आप बोलते हैं ना, छा जाओ सभी के ऊपर, राइट? ओके. सो दिस इज ए फॉर्मल. यू कैन यूज इट टू एनीवन इन द वर्ल्ड. आइदर इज योर सीनियर, आइदर इज योर जूनियर, आइदर योर पेर फैमिली मेंबर, नॉन फैमिली मेंबर, राइट? यू कैन यूज इट टू एनीबडी. अनदर वन इज टॉप ऑफ द मॉर्निंग टू यू. अगेन फॉर्मल. You can use it to anyone, right? Okay, sir. Number third one is good day to you. Okay, sir. Obviously, you can use it to anyone. After that, okay, it's have a great day. Obviously, you can use it to anyone, right? Okay, sir. Next one is hello, dear. Hello, dear is something which is informal. So don't use hello dear with your seniors or someone in a professional way. Okay? Okay, sir. This is very casual. So you can use it with your friends, with your colleagues, right? Okay, sir. With them only. After that, it's how are you this fine morning? How are you this fine morning? Again, informal. You can't use it with your senior or with someone. After that, wishing you the best for the day ahead. You can use it to anybody. Anybody, किसी के सपने भी आप इसको use कर सकते हैं. Okay? Okay, sir. After that, good morning, sleepy head. Again, informal. When you are saying good morning, sleepy head, basically say it to your best friends or your husband or someone. Don't use it with your colleagues, or yes, you can say with your colleagues, but if they are very friendly with you, okay, not with another people. Good morning, sleepy head. After that, it's wakey wakey accent bakey. Wakey wakey accent bakey, again informal. You can't use it with your seniors or with someone, but yes, you can use it with your friends or anyone. Obviously, you can't use it in a formal way, that's it. But do you know the meaning of this wakey wakey accent bakey? What do you mean by this, sir? I don't know. Meaning is basically get up and have your breakfast. Okay, so wakey wakey, that is something which is to get up, right? To wake up. X and bakey. X, obviously X. Bakey. Bakey means bakery items. So what are the bakery items? Bread and all these things, right? Okay, sir. So usually we have it. हम लोग नाश्ते में क्या करते हैं? We Indians. We can eat. We eat anything, right? But English is the language of British or otherwise American people, right? That is the origin of English. So what do they eat in the morning? Obviously, bread, toast, or something like something which is related to the bread, and most of the time eggs. So when you are saying wakey wakey, eggs and bakey, that means something like you are saying
get up and have your breakfast. After that, isn't it a beautiful day today? Isn't it a beautiful day today? Again, not formal actually, but yes, if your senior is quite friendly with you, you can use. After that, what a pleasant morning we have, we are having. Again, you can use it to anybody, right? Okay, sir. What a pleasant morning we are having. After that, look alive, very, very informal. When you are saying someone, look alive. So to whom you can say? To your best friends. Okay? इतना बेस्ट फ्रेंड जिनको जो कि आपका मजाक का बुरा नहीं मानते हैं उन्हीं को आप बोलेंगे लुक अलाइव डू यू नो देम लुक अलाइव लुक अलाइव लुक अलाइव का मतलब होता है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना किसी को अरे भाई जिंदा हो क्या okay, अभी तू जिंदा है क्या दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट लुक अलाइव लुक अलाइव सो आपको इस वे में बोलोगे तो वो अभी आपने अपने बॉस को बोल दिया तो वो तो कितना बुरा मान जाएगा राइट सो यू मस्ट नो कि मेरे को कहां पे किसको क्या बोलना है आप बोल सकते हो बट अगेन पता भी होना चाहिए लुक एट व्हाट द कैट ड्रैग्ड इन लुक एट व्हाट द कैट ड्रैग्ड इन बेसिकली जब लड़के लड़की एक दूसरे को भेजते हैं तब इस फ्रेज को ज्यादा यूज किया जाता है ओके वेकी वेकी स्लीपी हेड अगेन सिमिलर या आपको चाहिए तो आप लर्न करो नहीं चाहिए तो मत करो बट आई विल सजेस्ट यू कि आप जब भी ऑब्वियसली वी सेंड समवन राइट वी से समवन आवर फ्रेंड्स एंड ऑल दिस गुड मॉर्निंग गुड नाइट सो यूज इट इन अ डिफरेंट वे व्हेनेवर यू आर मैसेजिंग समवन यूज दिस वे राइट सर सॉरी टू थ्री सेंटेंस कर सकते हैं मेरा फ्रेंड्स के लिए अलग लाइक होता ऑफिस में के लिए कुछ डिफरेंट करना हो तो वो अलग तो बेसिकली होता क्या है जब आप वेरिएशन लाते हो ना देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन बुकिश एंड नेचुरल इंग्लिश यस सर राइट बुकिश बुकिश मींस इंग्लिश व्हिच इज इन द बुक इन हिंदी टू राइट जो बुक में लैंग्वेज होती है हम अपनी लैंग्वेज में जब हम प्रैक्टिकली किसी से बात करते हैं हम उस लैंग्वेज को कितना यूज करते हैं जो बुक में है नहीं करते हैं ना इतना ज्यादा यूज After that, how is your morning going so far? You can use it to anyone, or you can even say, just say morning, right? Okay, sir. That's it. जो सो रखा है सोता हुआ सर उठ जाओ कुछ इस तरह से मतलब आएगा टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी राइट बिकॉज अगेन हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो उसका ज्यादा मतलब समझ में नहीं आएगा बट इन इंग्लिश यस इट मेक्स सेंस सो दीज आर समथिंग विच आर यू नो जोक टाइप का जैसे ओके सर आफ्टर दैट So these are the different ways to say. Obviously, you should learn these first, right? Okay, sir. Practice on these first, then go further. Okay. Then there is something. Very good. Okay, how can you say someone thank you? Okay,
थैंक यू हम लोग कई बार बोलते हैं फ्लाइट में, राइट? यस सर। स्टॉप सेइंग थैंक यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, यूज दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। यू कैन से थैंक्स, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दैट्स सो काइंड ऑफ यू? जब आप कहीं पे कोई आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर कुछ फेवर कर रहा है, ओके यार कोई आपके लिए कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके कुछ कर रहा है, देन यू कैन यूज। वहां पे भी आप थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाले को ठीक है थैंक यू तो बोला, बट इतना वो दिल पे नहीं लगता है कि मैंने इसके लिए इतना किया, राइट? थोड़ा एक्स्ट्रा जाके, ओके सर। तो इसने थोड़ा सा भी एहसान नहीं माना, माना है कि कोई फॉर एन एग्जाम्पल कि आप जो है कहाँ पे बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू का मतलब होता है बेसिकली कि आप, आपका दिल बहुत बड़ा है या आप बहुत दयालु हैं, कुछ इस तरह का सेंस में आएगा वो। तो आप कहाँ पे यूज करेंगे? सपोज कीजिए आपने जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए वो किया, राइट? फॉर किस, फॉर एन एग्जाम्पल अभी इंटरव्यूअर ने आपका बोला, सो इंटरव्यूअर ने बोला कि रेनु मेरे पास और भी कैंडिडेट्स की लिस्ट है पड़ी, और भी कैंडिडेट्स के रेफरेंस आ रखे हैं, राइट? ओके सर। फॉर एन एग्जाम्पल उसने बोला कि और भी कैंडिडेट्स हैं, राइट? अभी मेरे हाथ में भी नहीं है, सिलेक्शन कोई और करता है, बट आई विल स्टिल ट्राई आपका सिलेक्शन हो जाए। सो देन यू कैन से थैंक यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, राइट? थैंक यू, दैट्स, थैंक यू बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, या फिर आप बोलना चाहते हो दैट्स सो काइंड ऑफ यू, तो मतलब उसको कहीं ना कहीं हार्ट पे लगता है वो बात, ओके सर, राइट? कि आप बहुत, आपका दिल बहुत बड़ा है या बहुत बड़े दयालु हो, या ये तो आपकी बहुत ज्यादा आपने थोड़ा सा मतलब क्या दिखाया, दया दिखाया, राइट? सो उसको कहीं ना कहीं दिल पे लगता है वो बात, दैट्स सो काइंड ऑफ यू बोलोगे तो वाओ कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, राइट? यस सर। मैनी थैंक्स आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, मैनी थैंक्स को। लुक्स लाइक समथिंग विद एटीट्यूड। आई कांट थैंक यू इनफ, अगेन जहां पे आप ज्यादा पोलाइट वे में, राइट? जहां पे आप बेसिकली किसी को बटर लगाना चाह रहे हो, डू नो हाउ टू अप्लाई बटर? सो बेसिकली व्हेन वी आर अप्लाइंग समवन बटर, किसी को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, मक्खन लगा रहे हैं ना जहाँ पे, yes, मतलब किसी को मक्खन लगाना ही बोलते हैं ना हिंदी में भी, बटरिंग, या सो किसी को हम लोग जब थोड़ा सा ऊपर चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना कुछ, सो देन यू कैन यूज दिस वर्ड्स, दिस फ्रेजेस। आई कांट थैंक यू इनफ, आफ्टर दैट यू कैन से ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू, बट दिस इज समथिंग विच इज you can't use it for your seniors or for someone, use it for your junior, all my love and thanks to you when you feel ki aapne kisi ne aisa koi aapki help ki, right? Words can't describe how thankful I am, words can't describe how thankful I am, that means main bata nahi sakti, right? Ki main words nahi hai us baat ke liye, suppose kisi aapne kahin pe interview ke liye aapne try mara, unhone bola ma'am अभी तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर भी आपके सीनियर, कुछ होते हैं ना अच्छे लोग कहीं पे, right, आपने पता किया जॉब के लिए, उसने बोला वैकेंसी तो नहीं है, मैं फिर भी एक काम करती हूँ आप रिज्यूम दे दीजिए, मैं अपने सीनियर को भेजती हूँ, राइट? अपने मैनेजर को भेजती हूँ, सब देन यू कैन से, देन यू कैन यूज दिस डिफरेंट, इफ यू से देम थैंक यू दैट इज वेरी इनफॉर्मल, राइट? यू कैन से दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आई कांट थैंक यू इनफ, राइट? वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, सो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा सामने वाले को, ओके सर। सो सपोज अगर उसने ओनली फॉर्मेलिटी के लिए भी अगर आपका रिज्यूम मांगा हो पीछा छुड़ाने के लिए भी, तो भी वो आगे जरूर फॉरवर्ड करेगी वो कॉम्प्लीमेंट सुन के, प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट थैंक्स, थैंक्स ए टन फॉर हेल्पिंग आउट, ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस वन टू, थैंक्स ए टन फॉर हेल्पिंग आउट, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टन, यू एंड टन? टन बेसिकली बेसिकली 1 kg, सी 100,000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 100 kg इज इक्वल टू 1 quintal, राइट? एंड 10 quintal और 100 quintal इज 1 ton,
वो उसका मीजर में मीजर है कुछ, आई थिंक 10 क्विंटल, 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 टन। सो व्हेन यू आर सेइंग थैंक्स ए टन राइट, तो मतलब उतना सारा थैंक यू। ओके सर, थैंक्स, चीयर्स, चीयर्स एक्चुअली वेरी वेरी इनफॉर्मल। ओके थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट जब कोई आपका जूनियर बहुत अच्छा काम करता है। ओके सर, ओके कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यू कैन से आई रियली अप्रिशिएट इट, यू हैव मेड माई डे, यू हैव मेड माई डे। कोई लोग इसको कहीं पे भी लगा देते हैं, यू हैव मेड माई डे, इसका एक मतलब होता है, इसको एक पर्टिकुलर जगह पे ही यूज करना होता है। इसको कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि कोई कुछ ऐसा दिया ना आपको, सरप्राइज, कुछ न्यूज दिया, या सरप्राइज आपको कुछ ऐसा दिया जिससे कि आपको बहुत खुशी हुआ, राइट, वहां पे इसको यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद के ले आए, राइट, ओके सर, देन यू कैन से यू हैव मेड माय डे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, वेयर कैन यू यूज, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ओके किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने लोगों ने खाना वाना खाया, आपको पता ही नहीं था, जब आप बिलिंग का टाइम आया तो वेटर ने बोला मैम हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा था, आपको जो 25% डिस्काउंट मिला है या 30% डिस्काउंट मिला है, राइट, सो राइट वाओ यू सर, हैव मेड माय डे, समथिंग व्हिच वाज सरप्राइजिंग, राइट, ओके एंड बहुत खुशी मिलता है ना ऐसा, 25% 30% डिस्काउंट। ऑब्वियसली 2000 का भी बिल होता है तो 500 रुपीज सेव होता है 25% डिस्काउंट से। सो यस यू कैन यूज दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, सपोज यू वेंट टू फॉर ए सुपर मार्केट, यू चूज समथिंग एंड समवन टोल्ड यू मैम देयर इज अ ऑफर इज गोइंग ऑन, इट्स बाय वन गेट वन, यू कैन से ओ यू हैव मेड माय डे बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, राइट, थिंग्स व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड यू गॉट समथिंग व्हिच वाज यू नो वेरी बेनिफिटेबल फॉर यू और व्हिच गिव्स सम हैप्पीनेस टू यू, देन यू शुड यूज दिस वर्ड, यू हैव मेड माय डे। कई लोग इसको कहीं पे भी लगा लेते हैं, थैंक यू बोलने की जगह पे भी जो है यू हैव मेड माय डे लगा देते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके सिनोनिम्स होते हैं हर चीज के इंग्लिश में, बट उसको यूज करने का एक तरीका होता है कहाँ पे यूज करना है। आफ्टर दैट यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, आप बहुत महान हैं, बेसिकली सभी को पता है, राइट, जब अपने बॉस वगैरह को हम लोग बोल देते हैं बात, अपने सीनियर को या किसी को जब हम लोग बटरिंग कर रहे होते हो तब लगा देते हैं, आई एम इन योर डेप्ट, आई एम इन योर डेप्ट। यहाँ पे आई एम योर डेप्ट का मतलब होता है मैं आपका कर्जदार हूँ, डेप्ट मीन्स कर्जा होना, तो मैं आपके कर्ज में हूँ बेसिकली। सो व्हेन यू फील लाइक किसी ने कोई ऐसा फेवर किया आपके ऊपर, फेवर मीन्स एहसान, किसी ने कोई ऐसा एहसान किया, राइट, जो कि आपको उसका जो है एहसान करके ही चुकाना होगा, सिर्फ थैंक यू बोलने से नहीं चलेगा। वहां पे आज किसी ने ऐसी हेल्प की है कि आपको लाइफ में आगे जाके कभी भी कभी हेल्प मांगेगा तो आप रहोगे, आपको तैयार रहना होगा। गॉट इट, सो आई एम इन योर डेब्ट, कहीं पे भी, कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम मूवीज में आप ये देखेंगे, मूवीज के अंदर ये सब कुछ होते हैं वर्ड इस तरह के। आफ्टर ओके दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ऑब्वियसली व्हेन वी आर बटरिंग समवन देन यू कैन से यू आर द बेस्ट, थैंक यू ओके सो मच, ऑब्वियसली लगा सकती हैं कहीं भी, थैंक्स ए मिलियन, ऑब्वियसली कहीं पे भी, मिलियन पता है ना क्या होता है मिलियन, काउंटिंग ही नहीं इसकी, हाँ राइट, काउंटिंग, बट कितने को बोलते हैं, या बट कितने को बोलते हैं बहुत मिलियन, तो ऐसे आइडिया नहीं है, लेकिन मिलियन, जिसकी कोई हाँ मिलियन इज बेसिकली 10 लैक्स, कुछ ओके लोग सर, 1 करोड़ को बोलते हैं, मिलियंस, मिलियंस 1 करोड़ नहीं होता है, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियंस एंड 100 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन। ओके सर, सो बेसिकली 10 लैक्स जो होंगे वो 1 मिलियन हो गया और जो 10 करोड़ होगा वो 1 बिलियन हो जाता है। ओके सर, ओके सो आफ्टर दैट यू आर एन एंजल, यू आर एन एंजल मतलब जब आप किसी लड़की के लिए बोलेंगे जो कोई आपको लगता है मतलब कहीं पे कोई है बहुत मुसीबत में था, किसी लड़की ने आके हेल्प की तो उसके लिए बोल सकते हैं, राइट। ओके आफ्टर दैट थैंक्स ए बंच, थैंक्स ए बंच ऑब्वियसली फॉर्मल है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसको, बट व्हाट डू यू मीन बाय बंच, बी यू एन सी एच बंच बंच, बहुत
सारे थिंग्स एक साथ, राइट? या इट्स लाइक बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा होता है ना किसी चीज का, उसको उसको बंच बोलते हैं. सो लाइक बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, राइट? राइट सर. आफ्टर दैट इट्स आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू, आई कांट थैंक यू इनफ, सिमिलर टू दिस. ओके सर. आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू मतलब बता नहीं सकता हूँ कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं. ओके सो यूज दिस इन अ डिफरेंट वे. जब आप भी किसी से थैंक यू बोलते हो, कुछ बोलते हो, राइट? ओके सर. राइट. आफ्टर दैट आर यू नॉट गेटिंग बोर्ड? नॉट गेटिंग बोर्ड, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ जो है रट्टा मार के रखना है. सब कुछ रट्टा नहीं मारना है. देयर इज नो पॉइंट. आप कोई टेस्ट में नहीं बैठने वाले हो इसके बाद, राइट? ओके सर. बट आप जब रोज ऐसा कुछ यूज करेंगे ना, आपको ये पता होना चाहिए. या मेरे माइंड में तो ये चल रहा था कि इसको यूज कैसे करूंगी, तो व्हाट्सएप मैसेज में यूज करना चालू करूंगी रेगुलर, तो मॉर्निंग में थैंक्स. या थैंक यू कहीं पे कुछ, राइट? सो बेसिकली जब आप इस तरह से करेंगे, आपको पता है कौन सा वर्ड को मुझे, ऐसा नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स जो याद करके रखने हैं, रट्टा मार के रखने हैं. आई विल डेफिनेटली शेयर यू द पीडीएफ ऑफ दिस फोटोज, मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट? सो आप किसी को आप थैंक यू बोलना चाह रहे हो, थैंक यू बोलने से पहले आप देख लेना एक बार उसको, तो आपको पता है कौन सा वाला कहाँ पे लगाना है, राइट? ओके सर. वो आपको याद रहेगा. तो आप पहले थैंक यू बोलने से पहले एक बार देख लेना क्या सिचुएशन में मैं यूज कर रही हूँ, किसके लिए यूज कर रही हूँ, बोलना. जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, जब आप एक ही वर्ड को 10-10 टाइम्स भेजेंगे किसी को, ऑब्वियसली आपको नहीं लगता वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत रट्टा मार के रखने, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है उसमें. इट्स जस्ट ए लैंग्वेज. ओके. उसमें आपको रट्टा नहीं मारना है कभी भी. आफ्टर दैट देयर आर अदर्स. वन सेकंड. ना you have learned how to say good morning, right? Okay. How can you say good night? You can say nighty night. किसी के भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. Sweet dreams, right? Sleep well. Sweet dreams सभी को पता है, right? हम लोग सभी बोलते हैं sleep well. नहीं है sir, generally. Have a good sleep, right? Okay. Yes sir. Dream about me. किसी को भी मत भेज देना. Only आप अपने हस्बैंड को ही भेज सकते हो. Now you are married. Dream about me. So basically आपको पता भी होना चाहिए कि किसको कहाँ पे लगाते हैं. Go to bed, you sleepy head. Again, go to bed, you sleepy head. आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं किसी के साथ में, राइट? ओके सर. बट ओनली कैरे कैजुअल वे. Sleep tight. अच्छे से सोना. Okay. Time to ride the rainbow to dreamland with your best friends or with your friends or not in a casual way or with one person who is bit friendly with you. Time to ride the rainbow of dreamland. Okay. Night. Don't forget to say your prayers. Right. इसका तो मतलब पता ही है. बेसिकली जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो नाइट में सोने से पहले प्रेयर करते हैं, राइट? राइट. गुड नाइट द लिटिल लव ऑफ माय लाइफ. बेसिकली छोटे बच्चे को बोलोगे तो अपने बच्चे के लिए बोल सकते हैं. नाइट इजी है. डोंट फॉरगेट टू से योर प्रेयर्स. आफ्टर दैट गुड नाइट द लिटिल लव ऑफ माय लाइफ. ये तो वही है. लाइट्स आउट बोल सकते हैं. Lights out means लाइटें बंद कर लो, राइट? See या in the morning. See या in the morning. That means see you in the morning. Yes, sir. I'll be right here when you wake up. Again, किसी को भी नहीं बोल सकते. आप अपने हस्बैंड को ही बोल सकते हो. I'll be dreaming of you.
ड्रीम ऑफ मम्मा पापा, ऑब्वियसली अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो, राइट? ओके, गुड नाइट माय लिटिल प्रिंस और प्रिंसेस, जीसस लव्स यू एंड सो डू आई, बेसिकली छोटे बच्चे को बोल रहे हो तभी आप यूज करेंगे ये, जीसस लव्स यू एंड सो डू आई. ओके, ड्रीम ऑफ मी, बेसिकली आप या तो अपने छोटे बच्चे को बोल रहे हो या फिर अपने हस्बैंड को बोल रहे हो, तब आप यूज कर सकते हैं इसको. गुड नाइट द लव ऑफ माई लाइफ, राइट? अब इसके अपने हस्बैंड को बोल रहे हो तो, राइट? तो ये तो हो गया आपके गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और ये कैसे बोलें आफ्टर दैट? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, थैंक यू. या हाउ कैन यू से वेरी गुड व्हेन यू आर सेइंग समवन वेरी गुड, राइट? देयर आर 109 वेज टू से वेरी गुड. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सभी पता होगा, लेकिन फिर भी एक्सीलेंट ऑब्वियसली बोलते हैं, राइट? यस सर. फाइन ऑब्वियसली ये भी हम लोग सभी बोलते हैं. आफ्टर दैट ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, किसी उस आदमी का नाम लेंगे, पर्सन का नेम, राइट? गुड थिंकिंग, जब आप बेसिकली कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी सोच से कुछ ऐसा किया है. ओके, ग्रेट, मार्वेलस, सुपर्ब, कीप ऑन ट्राइंग. कीप ऑन ट्राइंग का मतलब जब कोई बेसिकली किसी ने कुछ ट्राई किया और वो सक्सेस नहीं हुआ बट वो क्लोज रह गया, देन यू कैन से, बट स्टिल हम लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा काम किया तूने, भले ही सक्सेस नहीं मिला, सो यू कैन से कीप ऑन ट्राइंग. आई न्यू यू कुड डू इट, दैट मीन्स जब कोई किसी काम को कंप्लीट कर लेता है, देन यू कैन से आई न्यू यू कुड डू इट, दैट मीन्स मुझे पता था कि तुम करोगे, कर लोगे, राइट? आफ्टर दैट, दैट्स ग्रेट, बहुत ग्रेट है ये, राइट? यू आर डूइंग फाइन, अच्छा कर रहे हो. यू बेसिकली यूज ही करते हैं हम लोग, फैंटास्टिक, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट? आई लाइक दैट, गुड वर्क, आई थिंक यू हैव गॉट इट नाउ, आई थिंक यू हैव गॉट इट नाउ, दैट्स इट, गुड फॉर यू, यू डिड दैट वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट इट राइट. ये सब तो बोलते ही हो, राइट? ऐसा है जो आपको वो नहीं पता, नहीं चल रहा होगा, बोलते ही हैं ये सब. कीप इट अप, गुड गोइंग, कीप अप द गुड वर्क, कीप वर्किंग ऑन इट, मच बेटर. मच बेटर मतलब जब आपको लगता है कहीं पे कि कोई कुछ काम जो है पहले से उसने अच्छा किया है, देन यू कैन से मच बेटर. नाइस गोइंग, नॉट बैड. नॉट बैड मीन्स फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जब हम लोग बोल लेते हैं ठीक है, राइट? Then only then you will say not bad. That's the way. That's the way means इस तरह से करना चाहिए. तो आप किसी को compliment दे रहे हो. That's good. Outstanding. What do you mean by outstanding? मतलब सोच से भी ज़्यादा. Yes. Something which is more than expectation. Yes, sir. अपनी सोच से ज़्यादा. Yeah. Wow. Right? Perfect, terrific, sensational, superb, right? Nothing can stop you now. Mm-hmm. Tremendous, you did it that time. Exactly right. इन सब का एक ही मतलब है basically. Now that's what I call a fine job, right? Mm-hmm. You are really going to town. You भी बोल सकते हो आप. You are really going to town. That doesn't mean कि कोई town जा रहा है. That is just a idiom. Now you have it. Now you have the hang of it. You haven't missed a thing. Good remembering. That's better. You have just about mastered it. Right? Now you have figured it out. You have got that down pat. After that you can say,
I have never seen anyone do it better. You are on the right track now, right? You are really working hard today. One more time and you will have it. That means कहीं पे फेल हो गया है. So मतलब एक बार और कोशिश करोगे तो definitely आपको ये मिल जाएगा. You are doing beautifully. Yes. You are doing beautifully मतलब अच्छे से कर रहे हो. I think you are doing the right thing. Aren't you proud of yourself? That means खुद के ऊपर proud नहीं feel हो रहा है क्या? Keep working on it. You are improving. Okay. Keep working on it. You are improving. जब finish नहीं हुआ है लेकिन कोई improve हो रहा है उसमें. Couldn't have done it better myself. Couldn't have done better it myself. मैं खुद भी इतना अच्छा नहीं कर सकता था जैसे बोलते हैं ना. So these are the ways to say very good. So obviously when you teach your not means your student in the future, you should use all these things. Okay. Okay, Renu. So now Renu, aren't you comfortable in the evening time? Evening time. Hmm. तो क्या रहेगा टाइमिंग? 8 to 9 और 9 to 10. सर डिनर टाइम रहता है ना, मैम ने मुझे बताया था एक्चुअली, तो वो डिनर ही टाइम है सर, और फिर बच्चे को साथ मैनेज करना मुश्किल हो रहा है. Because you are a kid too, right? Yeah, that's a bit difficult. That is, but someday, not every day, sometime, join someday. You know why? Because if you are learning here, right? Yes. Sir. Actually, problem is that my student pages. We don't teach the kids. So our student base is. कितने दिन क्लास रहेगी सर वैसे? ये आपकी 3 days practical होती है, 3 days theoretical होती है. Okay. मतलब 6 day class. Yeah. So that's the reason we say कि आप 3 days उसमें कर लो क्या? रात को. 3 day आप हाँ 3 day मतलब वहाँ पे क्या है वहाँ पे दरअसल. अगर कंफर्टेबल है तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू. और व्हाट अबाउट द मॉर्निंग? अगर मॉर्निंग 8 टू 9 चलेगा? कोई 9 टू 12 मैंने बोला था मैम को, बोले तो उसमें कोई न्यू बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है आई थिंक. 8 टू 9 भी नहीं चलेगा ना? 8 टू 9 नहीं, सो पॉसिबल ही नहीं है. हस्बैंड का जाने का टाइम 7:30 पे हस्बैंड जाएंगे, फिर 9:00 बेटे को छोड़ना है सर स्कूल, पैकअप वैकअप रेडी करके. वही है ना प्रॉब्लम क्या एक्चुअली कि मेरा जो स्टूडेंट बेस है ना इनमें भी ये टाइम इन दिस, क्योंकि अभी ये सोता है स्टे इन दिस 2:30 बजे से, तो मैंने उसको आज 2 पे सुलाया सर. लेट सुलाया उसको, मम्मा स्लीप करना, नींद आ रही है. मैंने नहीं नहीं अभी रुको थोड़ी देर बात सुन लेते हैं. ओके सो बेसिकली क्या है, मेरा जो स्टूडेंट बेस है वो है सारे जो वर्किंग पीपल है, जॉब वगैरह के लिए. 10 बजे से हो जाएगा तो 10 बजे तक तो सुला देती हूँ मैं इसको बच्चे को. 9:10 सर फिर वही टाइम है. हाँ काफी लेट हो जाएगा. It's okay you stay in this batch between 2 to 3, not an issue. हाँ सर ये बेस्ट है क्योंकि दिन में ये सो जाता है, स्कूल से आके थक जाएगा तो और सोएगा एक दिन. Okay not an issue, 2 to 3 रखो आप, ठीक है? Because सर अभी इस बैच क्यों बोल रहा हूँ, but yes in future we may add. Okay in future hum log add kar sakte hain isme dusre student because haan? Yes koi problem actually haan hota kya hai na, agar aap mere sath mein seekh rahe ho right, aap mere sath mein practice kar rahe ho to aap mere sath mein to achhi english bol loge. Ha sir mujhe batch mein ye tha, wo to ma'am se bhi maine bola tha, unhone personal class mein bola aise requirement nahi hai personal ka mujhe mainly. But hota kya hai, बट होता क्या है जब आप तीसरे आदमी के साथ में जाओगे ना तो आप स्टक हो जाओगे, लो कॉन्फिडेंट हो जाओगे. बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आपको मेरे बारे में पता चलता है मैं क्या पूछने वाला हूँ, क्या पूछूंगा, राइट? तो आप पहले से सोच के रखते हो दिमाग में. बट जब थर्ड पर्सन के सामने जाते हो तो आपको पता नहीं चलता है कौन क्या पूछेगा, राइट? यस हेजिटेट हो जाते हैं. सेकंड थिंग इट्स प्रैक्टिस. So yes, you should practice in the batch. It's okay. Later we'll add some students in batch.
मेरी फॉर प्रैक्टिस विल डेफिनेटली ऐड. ओके सर, मैं अभी ना एक पहले मैंने एक बस 2-3 डेज ही ज्वाइन किया था, पता नहीं क्या रीजन था, तो फिर जो टीचर थे उन्होंने ही मतलब मूव ऑन कर लिया था कि नहीं अभी नहीं करा पाएंगे, तो फिर मैं उनसे भी कंसल्ट, इंटरेस्टेड होंगी तो फिर साथ में ही आ जाएंगे वो भी. ओके, नॉट एन इशू. सो ओके, बट लेटर वी माइट ऐड अनदर स्टूडेंट्स इन दिस बैच. ओके, नाउ रेनू, आई टोल्ड यू दिस आर द स्टार्टिंग, राइट, वेरी बेसिक. This is something which you should practice from today itself. Okay, sir. The thing is that why do we teach in the earlier all these things? You will get some interest because this is your first day. If I tell you the practical itself, you will get bored. Sorry, theoretical, right? So I taught you something which you can use in your daily life. Got it? So yeah, take some interest. Now, try to use it, these phrases. When we are saying someone good morning, good night, thank you, right? Or even for that. Okay, there are another phrases so too. I didn't tell you. One second. Huh? Now, आपने वो देखा, राइट, थैंक यू तो देख लिया, थैंक यू कितने वे में बोल सकते हैं, राइट? बट व्हेन समवन से यू थैंक यू, हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट, आप कैसे बोलेंगे? सो यू कैन से नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम मीन्स जहां पे आपको लगता है कि हम लोगों ने छोटा सा किसी का हेल्प किया, राइट? किसी का मोबाइल गिर गया था नीचे, मैंने उठा के दिया, तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं हो. नो प्रॉब्लम. ऑफकोर्स, ऑफ कोर्स कहाँ पे यूज करेंगे बोले तो कैजुअल वे में, जहाँ पे हाँ, जहाँ पे हम लोग हंसी मजाक के वे में यूज करेंगे. मतलब किसी ने बोला थैंक्स ए लॉट, ऑफ कोर्स दैट मींस तुझे बोलना ही चाहिए मुझे थैंक यू, इस तरह के वे में हम लोग यूज करेंगे. सो बेसिकली यूज इट विद योर बेस्ट फ्रेंड्स और समवन, राइट, प्ले ऑन ए सेफर साइड. अपने बॉस को बोल दिया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. It was nothing. It was nothing. When you help someone and someone say you thanks a lot, or you are so kind of you, you can say it was nothing, right? Yes, sir. No worries. No worries. Obviously, you can use anywhere. After that, sure. पहले जैसा ही है, of course जैसा, sure and sure things. Okay. With best friends, it's okay. We just say it's okay, right? Okay. Doesn't matter. कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा बोलने के लिए. It's okay. Simple सा बोल के छोड़ सकते हैं. Don't mention it. Don't mention it. थोड़ा सा हम किसी के साथ में फ्रेंडली होते हैं. Okay. Now you got it. You got it. थोड़ा सा अगेन हंसी मजाक कर रहे हैं तो वहां पे बोलेंगे. Glad to help. Glad to help basically. या कहीं पे आप बोलते हो बिल्कुल उसमें खुशी हुई मुझे, राइट? ओके, सो बेसिकली जब कोई लड़का किसी लड़की की करता है, चाहे वो पहचान पहचान हो नहीं, वहां पे ज्यादा इस डायलॉग के चिपकाते हैं, राइट? ओके सर. एनी टाइम, दैट्स ऑल राइट. या दैट्स ऑल राइट. नेवर मेंशन. ग्लैड टू हैव हेल्प. ग्लैड टू हैव हेल्प समथिंग बोलते जरूर है हम लोग थैंक यू के बाद. There is something like ये जो है वैसे आना नहीं चाहिए, बट कई लोग बोलते हैं इसको. मतलब there is something like when someone say you thank you, और आप बोल रहे हो उल्टा कि thank you मुझे बोलना चाहिए, इस तरह के वे में आप बोलेंगे. Not a problem. I'm happy to help you. It's my duty. So it's my duty. आप कहाँ पे बोलेंगे? School वगैरह. जहाँ पे बस कहाँ पे? नहीं बेसिकली सपोज की हाँ नहीं बेसिकली जहाँ पे आपको आप रेस्टोरेंट में खाना खा के खाने गए, राइट?
अभी वेटर आपके लिए खाना लेके आए, हम लोग बोलते हैं थैंक यू जरूर, राइट? बट ही कैन रिप्लाई सर दैट्स माय जॉब राइट, इट्स माय ड्यूटी, बोल सकता है ना वो. हम लोगों ने बुलाया, हमने बोला कि खाना जो बहुत अच्छा था, कैन यू टॉक विद योर शेफ, हमने शेफ को बोला शेफ थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल फूड, वो बोल सकते हैं राइट, या दैट्स माय जॉब या दैट्स माय ड्यूटी, क्योंकि ही इज गेटिंग पेड फॉर दैट एक्चुअली, राइट? दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, अगेन बोल सकते हो किसी को भी कैजुअल वे में, सर्टेनली सर्टेनली ऑफ कोर्स के जैसा कूल, कूल मींस होता है जैसे कूल, बस किसी ने थोड़ा सा बोला, जहां पे आप कहीं पे पार्टी वार्टी में ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, या फिर कहीं पे ऐसी कैजुअल जगह पे ऑफिस वगैरह के, उसमें हम लोग कम ही यूज करते हैं, ऐसी कैजुअल जगहों पे हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको. सो किसने बोला थैंक यू कूल, बस कूल बोल के छोड़ दो, हो गया. ओके इट्स ऑल ग्रेवी, इट्स ऑल ग्रेवी. आप कहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे आप अपने कोलिग्स के साथ में, या फिर कभी जहाँ पे आप उन लोगों के साथ में रहते हैं जो कि आपसे रोज नहीं तो कभी कभी तो मिलते रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप कहीं पे ट्रेन वगैरह में भी जाते समय किसी को, राइट? या फिर किसी अनजान जगह पे भी कई बार लोग बोल देते हैं. सो ऐसे इतना ज्यादा वहां पे यूज नहीं कर सकते. व्हेन यू आर सेइंग इट्स ऑल ग्रेवी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेवी? आई डोंट नो सर, मेरे को सब्जी वाला ही पता है. हाँ, उसी को बोलते हैं. अच्छा, उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं. बट आपको यहाँ पे समझ में वो आ रहा होगा, राइट? राइट सर. ये इट्स ऑल ग्रेवी का मतलब कहाँ से निकल गया? सो बेसिकली ग्रेवी मतलब वो मिक्स होता है ना सब कुछ चीजों का. हाँ, बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं. सो आप बोल सकते हैं कि ये जिस चीजें जो है मिक्स हो रही हैं, जो कभी इधर से उधर चलती हैं, मतलब आज मेरी बारी है, आज मैंने हेल्प किया तो कभी आप मेरी हेल्प करोगे. ओके सर, ये चलता रहता है. इट्स ऑल ग्रेवी, ये चलता रहता है. दैट मींस रहता है, राइट? आप आज किसी की हेल्प करते हो, कल कोई आपकी हेल्प करता है. सो इट्स ऑल ग्रेवी. ओके सर, गॉट इट? ओके सर. माई प्लीजा, माई प्लीजा. मुझे खुशी हुई, जैसे बोलते हैं, राइट? लास्ट वन, नॉट एट ऑल. ऑब्वियसली नॉट एट ऑल कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? ग्लैड टू बी ऑफ एनी असिस्टेंस, ग्लैड टू बी ऑफ एनी असिस्टेंस. ये कहाँ पे लगाएंगे आप? असिस्टेंस मींस जहाँ पे आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, राइट? सपोज कीजिए आपने अपने सीनियर के साथ में मिलकर किसी प्रोजेक्ट को पूरा किया, सीनियर के साथ में मिलके. लेकिन ऐसा तो नहीं था कि आप अपनी मर्जी चला रहे थे वहां पे सीनियर के. ऑब्वियसली सीनियर जो चाह रहा था उस हिसाब से काम हो रहा था ना. यस सर. बट आप असिस्ट कर रहे थे उनको, राइट? सो व्हेन यू आर सेइंग, व्हेन ही विल डेफिनेटली से यू थैंक यू जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने भी बहुत टाइम दिया, राइट? यस सर. So you can say glad to be of any assistance. मतलब खुशी होगी मुझे अगर कोई और काम हो गया, या आपकी सहायता करने के लिए मुझे खुशी होगी, but as a assistant. Okay sir. Got it. So these are the different ways to say. Okay. Try using this. Yes. When you try this, जब आप ये सब try करते हो ना, जब आप ये सब ट्राई करते हो तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिफरेंट लगती है और लोगों से. थैंक यू हर कोई बोलता है, राइट? या यू आर वेलकम हर कोई बोलता है, गुड मॉर्निंग हर कोई बोलता है, गुड नाइट और कोई बोलता है. बट व्हेन यू से समथिंग डिफरेंट, ऑब्वियसली सामने वाले को भी आपका इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर अच्छा पड़ता है. एम आई राइट? यू फील मोर कॉन्फिडेंट, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है. Yes. कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले इसको से ज्यादा मेरे को आ रहा है भी. Got it. So obviously your confidence increases. The main thing is your confidence. You should be confident.
that really doesn't matter if you know the whole grammar too. It's not mandatory that you can speak English. Okay, so puri grammar bol ke bhi aap English bol paoge. It's not mandatory. Sometimes that really doesn't matter if you know the grammar or not. Okay. Still people speak with fluent, with fluency. Okay. So again, you should be confident. So yeah, Renu, that's all for the day. Now, any questions, any doubt? नहीं सर, आपको ये यूज करने हैं बस कल से, आज रात से. आपने स्क्रीनशॉट लिया इनका? नहीं सर, मैंने नोट कर लिया नोटबुक में. नोट भी कर लिया इतना जल्दी? ओ नाइस. पूरे तो नहीं किए. नेक्स्ट टाइम डू वन थिंग. ओके, आई डू वन थिंग, आई विल व्हाट्सएप इट टू यू इन इट व्हाइल. ओके ओके सर, ये जैसे आप जैसे ये तो नोट ही करना रहेगा कि जैसे आप कह रहे हो स्क्रीनशॉट भेजोगे या जो भी है व्हाट्सएप पे? आपको लिखना है तो आप लिख लो. आपको बेसिकली क्या है, आपको सारे के सारे एक ना एक बार तो यूज करना है. अच्छा, सारे तो नहीं नोट किए सर, मुझे जो जो ऐसे इंटरेस्टिंग लगे तो. मैं आपको फोटो भेज दूंगा उसकी, मैं आपको इमेज भेज दूंगा. ओके सर, जैसे अगर हाँ तो सर, जैसे मुझे प्रिंट आउट अगर निकलवाने का सोच रही हूँ, फिर स्पाइरल बाइंड करा के जैसे होता है ना, इजिली कभी भी रिमाइंड करना है चलते फिरते. वो कोई आपको रटना नहीं है, वो कोई चीजें रटने वाली नहीं है. We don't focus in that. We don't focus in that. कोई लोग करते हैं, right? बड़ी बड़ी नोटबुक में लिख लेते हैं, ये कर लेते हैं, प्रिंट आउट, ये सब. इतना मैंडेटरी नहीं है. Okay, sir. रखो उसको, लिख सकते हो तो लिख लो. It's not mandatory. Our focus is on group classes. हम लोग ग्रामर भी yes पढ़ाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ग्रामर पे ज्यादा फोकस रखेंगे. ऐसा नहीं है कि जब आपकी प्रैक्टिकल क्लास होंगे तो मैं आपको पूछूंगा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. We don't go in that. Okay? हम लोग सीधा सीधा ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, रोल पे एंड समथिंग डिफरेंट. ओके, व्हाट एल्स रेनू, एनी डाउट, एनीथिंग एल्स? नहीं सर, बस वही है. तो फिर मैं एक नोटबुक ले लेती हूँ, जो जो मुझे अगर आप स्क्रीन पे डालते हो तो मैं उसको नोट डाउन करती रहूँ, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए. यू बेटर यू डू वन थिंग नो, मैं जब भी कुछ पढ़ाता हूँ, यू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट आफ्टर क्लास. अभी ये ऑन द मेरे बेटा 10 बजे तो मैं रिवाइज करूंगी सर, ऑब्वियसली ये स्कूल जाएगा उस टाइम मैं रिवाइज करूंगी. मेरे पास वो बेस्ट टाइम है कि मतलब किसी का डिस्टरबेंस नहीं है ये बच्चे के साथ. वैसे तो सर अभी उठ गए, क्लास तो भी स्टॉप ही करनी पड़ती है मतलब मेरे लिए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जब भी कुछ पढ़ाता हूं उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो. हां सर, स्क्रीनशॉट ऑन द क्लास में आप सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपको डाउट आएंगे माइंड में. अगर आप सीधा सीधा लिखते रहोगे तो आपको कुछ खासा डाउट्स नहीं आएंगे. Right, sir. So, आपके जितने डाउट्स क्लियर होंगे उतना आपको फ्लुएंसी पड़ेगी. Okay, sir. Okay? Yeah, any more doubt, Renu? नहीं. और कोई डाउट और कुछ? नहीं नहीं सर. Then okay? I think we should wind up now. See you tomorrow at 2 p.m. Okay? Tomorrow 2 p.m. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Bye, Renu. See you tomorrow. Bye. Have a great evening.